लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। बुलबुल तूफान ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई वो किसी से छुपी नहीं है, परंतु बुलबुल के जाने के बावजूद भी वो तबाही अभी भी जारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बुलबुल के जाने के बाद की। बुलबुल के जाने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, जो नुकसान दिख रहा है, वो दिख रहा है सब्जी बाजारों पे। जी हाँ, जिस प्रकार से सब्जी के दाम आजकल आसमान छू रहे हैं उसके बारे में सब कोई जानता है। जी हाँ, प्याज 100 रुपए किलो हो चुका है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा हो चुका है। वहीं बाकी सब्जियों के दाम भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि ये सब्जियों के दाम बुलबुल के प्रभाव से नहीं बढ़े हैं, ये कुछ व्यवसायी हैं जो अपनी मर्जी से दामों को बढ़ा रहे हैं और इनके ऊपर नजर रखने के लिए टास्क फोर्स भी मार्केट में निकली हुई है, जो आए दिन सब्जी मार्केट का जायजा ले रही है और देख रही है कि सब्जियों के दाम सामान्य रूप से हों। इसी बात की जानकारी पूरी लेने के लिए लाइव कोलकाता की टीम निकली मानिक तल्ला सब्जी बाजार में, जहां बात की हमने काफी सब्जी विक्रेताओं से और वहीं बात की हमने कुछ असर पड़ रहा है कस्टमर को। कस्टमर आए दिन मतलब बोल रहे हैं रेट बढ़ते जा रहा है, घटने का मतलब बढ़ क्यों रहा है, तो कस्टमर लोग से यही बोल रहे हैं कि हम लोग थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं, जहाँ से माल ले रहे वही लोग जो दाम पे फेंक रहा है उस हिसाब से हम लोग अपना बेच रहे हैं। ठीक है, अड़तिया जो है वो लोग कहाँ से ला रहा है, कैसे ला रहा है, किसने में किन रहा है नहीं मालूम। हम लोग तो डेली का बेचते हैं, डेली का अपना ये करते हैं कि जहाँ से मेन प्याज का मंडी है नासिक, वो मतलब फसल वहाँ पर बारिश की वजह से फसल खराब हो, इसकी वजह से प्याज का लेकर टाना टानी हो गया। लोगों से जो सब्जी खरीद रहे थे, जब सब्जी विक्रेताओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, सब्जियों के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, आज क्या दाम है और कल क्या दाम रहने वाला है वो लोग नहीं जानते और ना ही बता पाएंगे। परंतु उन्होंने ये भी बताया कि ये सब्जियों के दाम का पूरा श्रेय बुलबुल को नहीं जाता है, कुछ असामाजिक तत्व है जो जानबूझ के सब्जियों के दाम बढ़ा रहे हैं और इनके ही ऊपर ताक रख रही है टास्क फोर्स। वहीं बाजार में सब्जी खरीदते लोगों से जब लाइव कोलकाता की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया उनकी आप बीती। उन्होंने बताया कि जहां घर पे 2 सब्जियां बनाई जाती थी, अब सिर्फ एक ही सब्जी में गुजारा करना पड़ता है। जहां पे 200 ग्राम सब्जी खरीदी जाती थी, वहां आजकल सिर्फ 50 ग्राम सब्जी खरीदनी पड़ रही है। हालत इतनी खराब होती जा रही है कि घर पे क्या बनाए क्या ना बनाए किसी को समझ में नहीं आ रहा। इन सारी चीजों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि बुलबुल तो चला गया पर पीछे एक तबाही का माहौल छोड़ गया है। पर सच में क्या ये बुलबुल की वजह से है या फिर कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से, वो तो आने वाला वक्त और टास्क फोर्स की टीम ही बता पाएगी, जो कि हर वक्त सब्जी बाजार पे नजर गड़ाए बैठी है।